हम आप ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हैं। भक्तजन श्रद्धा से इस यज्ञ में प्रसाद अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, द्रव्य का दान भी देते हैं। आप अपने समय का दान देकर ज्ञान लाभ लेकर जीवन को कृत्य करते हैं। दुल्हन दास जी महाराज कहते हैं, देना लेना जो कुछ होवे कर ले अपना काम, आगे हाट बाजार न पइहो ना पावे कोई ग्राम, प्राणी जपले तू सतनाम। आप देते हैं और देने वाला इस संसार में देने वाले के संबंध में शास्त्र कहता है कि इस संसार में देने वाला हमेशा बड़ा होता है। शास्त्र कहता है द मोमेंट यू आर गिविंग योर टाइम, योर वैल्यूएबल टाइम, एंड व्हेन यू आर गिविंग ऑफरिंग योर बिलीव एंड ट्रस्ट, देन यू आर द ग्रेट पर्सन। तो आप लोगों ने समय दिया है यहां और ज्ञान यज्ञ में समय देना ही बड़ी बात है। सुबह भी मैंने निवेदन किया था कि वही लोग प्रशंसनीय है। निवेदन मैं किया था कि घर में बहुत सुविधा है, लेकिन सभी सुविधाओं को छोड़कर सत्संग में आकर बैठते हैं, ये सबसे ऊंची समझदारी है। वैसे समय लोग कहाँ कहाँ देते हैं। मैंने देखा हम लोग गुजरते हैं कभी गांव गांव से, बाजार से, तो लोगों को ताश खेलते हुए देखते हैं, कहां समय लगा रहा है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय का सदुपयोग नहीं करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। जो समय की बर्बादी करने वाला, समय उसे बर्बाद कर देता है। सज्जनों, हम सबों को भी मनुष्य देह, मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। और भगवान के उपदेशों को हम आप सुन रहे थे। भगवान श्री राम केवल सनातनियों से, वैदिकों से, आर्यों से यह उपदेश करते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है।
यह उपदेश सबों के लिए है। जैसे सूर्य की रोशनी सबों के लिए है, ऑक्सीजन सबों के लिए है, उसी तरह यह जो ज्ञान भगवान का ज्ञान है ये सबों के लिए है। सभी से कहा जा रहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत बड़ा भाग्य है। और भगवान क्या कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है यह शरीर। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, और भगवान कहते हैं कि सारे शास्त्र ऐसा कहता है। सज्जनों, शरीर जिस किसी को मिला, शरीर में आकर अहमता ममता से बंधे, किसी को ममता हो गई, किसी को बड़ी आसक्ति हो गई, और किसी को बड़ा अहंकार हो जाता है। शरीर प्राप्त हुआ और शरीर प्राप्ति के साथ साथ धन वैभव इतने प्रचुर मात्रा में, सज्जनों को जब धन और वैभव की प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा, सज्जनों को, समझदारों को, उत्तम चरित्र वाले को जब धन की प्राप्ति होती है, वैभवों की प्राप्ति होती है, तो वे ऊबते नहीं, उनको अहंकार नहीं होता। और जिनको अहंकार हो जाता है, ऐसे लोग जमराज जो काल महाकाल है उसके गाल में चला जाता है, उसका दुर्दांत होता है, दुरअंत। सज्जनों, शरीर हम सबों को मिला है, शरीर की रक्षा चाहते हैं। शरीर में रोग हो कोई नहीं चाहता, शरीर रोग ग्रसित हो, मैं तो देखता हूं कि थोड़ी खांसी भी किसी को पसंद नहीं है, सर्दी बुखार किसी को पसंद नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि न चाहते हुए पर भी शरीर में रोग आ जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देहम व्याधि मंदिरम, दिस वेरी प्रीशियस ह्यूमन बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ डिजीज, रोगों का घर है, रोग हो जाता है। भगवान बुद्ध के संबंध में आया है कि भगवान बुद्ध महाविष्णु के अवतार थे, उनके शरीर में भी रोग हो गया, भगवान को पेचिस की बीमारी हो गई थी। देह प्राप्त किए हुए कोई भी महापुरुष भगवान श्री कृष्ण त्रैलोकपति, शिशुपाल पर जब सुदर्शन चक्र छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई, रक्त की धारा निकली, द्रौपदी अपनी कीमती साड़ी को फाड़कर भगवान की उंगली से बहते हुए रक्त को बांध दिया।
शरीर प्राप्त हम लोगों ने किया है, महापुरुष लोगों को भी कष्ट हुआ है, इसीलिए कभी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो उसी समय आपकी समझदारी का पता लगता है, नहीं तो बहुत लोग उस समय ऊब जाते हैं। सज्जनों, शरीर हम सबों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। खाना पीना सो जाना, ईटिंग ड्रिंकिंग वाटर स्लीपिंग, इट इज इक्वल टू एनिमल। जो पशु करता है वही मनुष्य करता है। सब काम है पशु समाना, दिस ऑल इज इक्वल एज द एनिमल्स डज। पशु भी खाता है, पशु भी पानी पीता है, और पशु भी सोता है, और मनुष्य भी वही करता है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं फिर मनुष्य देह क्यों धारी, मनुष्य देह धारण करने का क्या फायदा हुआ। हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन क्या है, सुखकारी, सुख को देने वाला। और हरि भजन, परमात्मा का भजन, सद्गुरु का ध्यान हम आप शरीर है तो कर सकते हैं। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे। और शरीर को सभी लोग अजर अमर बनाना चाहता है, बहुत राक्षसों के द्वारा कोशिश किया गया। हम आपकी उम्र कितनी है, 100 वर्ष। कलयुग में लोगों की आयु 100 वर्ष, लेकिन अब औसतन ऐसा नहीं देखा जाता है। अब 100 वर्ष बहुत रेयर लोग जीते हैं। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। ऋषभ देव जी महाराज 1,00,000 वर्ष धरती पर रहे। त्रेता में 10,000 वर्ष, 1,00,000 में से 1 शून्य हटा देंगे तो 10,000 वर्ष रह जाएगा। और द्वापर में 10,000 में से 1 शून्य निकाल देंगे तो 1,000 बचेगा। द्वापर के लोगों की आयु थी 1,000 वर्ष, और 1,000 में से 1 शून्य हटा देंगे तो 100 बचेगा। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई। 100 वर्ष में बहुत कुछ करना है। भगवान कहते हैं नर्तन पाए विषय मन देही, अब पलटी सुधाते सठ बिस्लेही। ताही कबहूं भल कहई न कोई, अगुंजा ग्रहई परस मणिक होई। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई,
और यह मनुष्य शरीर मिला है। क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि इस देह से हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। कैसे? सद्गुरु की शरण में जाकर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत लोगों की आयु बहुत लोमस ऋषि है, बहुत लंबी आयु। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी हैं, बहुत आयु। लेकिन सज्जनों, जिनकी बहुत आयु है, जिनकी आयु बहुत है, उनका ज्ञान ध्यान अलग है, उनकी समाधि, उन्हें समाधि लगती है, इसलिए उसे समय का पता नहीं लगता है। हम आप भी उस ब्रह्मानंद, उस परमानंद सुख को प्राप्त कर सकते हैं। साधन क्या है? मनुष्य का देह। दिस इज मीन्स द ह्यूमन बॉडी इज मीन्स फॉर द लिबरेशन, मोक्ष के लिए यह साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान कहते हैं कि द डोर ऑफ लिबरेशन इज लाइंग डाउन इन आवर ह्यूमन बॉडी। मोक्ष का द्वार यहां लगा हुआ है। कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसे थोड़ी ना कह दिया बड़े भाग मानुष तन पावा। शरीर अजर अमर रहने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, साधु महात्मा लोगों से हम आप सुनते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधी जंजीर।